नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया एस ट्यूटर्स एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली दो तीन क्लासेज हो चुकी है दोस्तों, तो आज नई क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और नया चैप्टर या टॉपिक है इफ्ला। दोस्तों देखो, दोस्तों इफ्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एंड पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत बड़ी संस्था है। और इफ्ला के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों, हम इफ्ला की स्थापना देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इफ्ला की स्थापना होती है 30 सितंबर 1927 को दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, मुख्यालय वो दे हैग नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। दोस्तों इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1927। क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड 2016 में पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय दे हैग नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके में हुई थी दोस्तों। जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके में। यूके में दोस्तों इसका पूरा नाम देखते हैं, फुल नेम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे इसाक कोलिजन, प्रथम अध्यक्ष। इसाक कोलिजन। और दोस्तों जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टीन मैकेंजी। वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टीन मैकेंजी दोस्तों इफ्ला की जब स्थापना हुई, इसका जो वर्तमान में नाम है यह नाम नहीं था, इसका नाम अलग था। तो उसके तत्कालिक नाम की चर्चा करते हैं दोस्तों। तत्कालिक नाम इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक कमेटी। इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक कमेटी दोस्तों, ये नाम परिवर्तन, इसके बाद में इसका नाम परिवर्तन होता है दोस्तों 1930 में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। इफ्ला, इफ्ला की स्थापना होती है दोस्तों 30 सितंबर 1927 के दिन दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसकी स्थापना होती है, कहाँ होती है इसकी स्थापना होती है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके में। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड यूके के अंदर इसकी स्थापना होती है दोस्तों। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो है दे हैग नीदरलैंड, दे हैग नीदरलैंड में इसका वर्तमान मुख्यालय स्थित है दोस्तों। इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, इसका फुल नेम, था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड
एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो वर्तमान में नाम है इसका, इसका जो तत्कालिक नाम था वो था दोस्तों इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक कमेटी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक कमेटी दोस्तों। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टन मैकेंजी, याद रखिएगा दोस्तों। यूजीसी नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान अध्यक्षों का, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इफला के, तो इफला के वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टन मैकेंजी दोस्तों, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे इसाक कोलिजन दोस्तों, इसाक कोलिजन दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इफला का नाम 1930 में परिवर्तन होता है, नाम परिवर्तन दोस्तों, दो बार इफला का नाम परिवर्तन होगा। में नाम परिवर्तन होता है दोस्तों, और इसका नाम हो जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद में इसका एक बार और नाम परिवर्तन होता है, इसके इसी नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द जुड़ता है, वो जुड़ता है 1976 में दोस्तों, याद रखिएगा 1976 में इसके नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया, और 1976 में क्या नाम हो जाता है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है 1976 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। एंड इंस्टीट्यूशन इस प्रकार इसका जो वर्तमान नाम है 1976 में अस्तित्व में आता है दोस्तों, और वर्तमान नाम है इसका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसकी चर्चा एक बार दोबारा करते हैं दोस्तों, जो इसका 1930 में नाम परिवर्तन होता है दोस्तों, और इसका नाम हो जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों, 1930 में होता है। अब क्या होता है इसके नाम में, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो नाम परिवर्तन हुआ था दोस्तों 1930 में, इसी नाम में एक शब्द जोड़ा जाता है इंस्टीट्यूशन, और 1976 में इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस प्रकार दोस्तों इसका वर्तमान नाम अस्तित्व में आता है। जो दोस्तों इफला है, आगे चलते हैं दोस्तों, जो इफला है दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों दे हैग नीदरलैंड में, दे हैग नीदरलैंड में दोस्तों। इस प्रकार जो इफला का सामान्य परिचय है दोस्तों वो कंप्लीट होता है लगभग। आगे चलते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा इफला का रजिस्ट्रेशन दे हैग नीदरलैंड में होता है दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं इफला की गतिविधियां दोस्तों।
दोस्तों इफला की जो सबसे बड़ी गतिविधि रहती है वो रहती है 1961 की कॉन्फ्रेंस, 1961 की आईसीसीपी कॉन्फ्रेंस। आईसीसीपी का पूरा नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। दोस्तों इफला एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है दोस्तों, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। दोस्तों यह आयोजित की जाती है पेरिस में। दोस्तों यह कहाँ आयोजित की जाती है आईसीसीपी, इसका आयोजन होता है दोस्तों पेरिस में। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और इसका आयोजन कब किया जाता है दोस्तों, ये भी देखते हैं। इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों 1961 में, 1961 में दोस्तों। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, इसका आयोजन किया जाता है 1961 में। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इफला के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इफला के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इफला द्वारा इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों, इसका आयोजन किया जाता है इफला द्वारा। आईसीसीपी जो इसकी प्रारंभिक गतिविधि थी इफला की, वो थी आईसीसीपी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। इसको हिंदी में देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों पर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों पर सम्मेलन। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, दोस्तों एक बार दोबारा देखते हैं। आईसीसीपी, इसका पूरा नाम दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। इसका आयोजन किया जाता है 1961 में दोस्तों, याद रखिएगा इसका आयोजन 1961 में किया जाता है। और आयोजन कहाँ किया जाता है, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाता है दोस्तों। यह इफला की प्रमुख गतिविधि में से एक थी। इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसका पूरा नाम है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों पर सम्मेलन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, इफला का प्रमुख उद्देश्य। इफला का उद्देश्य दोस्तों मैंने आपको बताया इफला एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों, जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल पेशेवर व्यक्ति हैं, तथा जितने भी पेशेवर संस्थाएं हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर दो पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, तथा जो भी पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित संस्था है, इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना।
इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना दोस्तों। दोस्तों ये इफ्ला का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, एक बार शुरू से देख लेते हैं दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों आप इसका एक बार। दोस्तों इफ्ला का उद्देश्य, दोस्तों मैंने बताया इफ्ला एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित व्यक्ति तथा संस्थाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। तो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित व्यक्ति तथा संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, यह इफ्ला का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। इसके अंतर्गत दो बिंदु देखते हैं हम, एक तो व्यक्ति जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान से संबंधित व्यक्ति है तथा जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान से संबंधित संस्था है उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इफ्ला का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देखते हैं इफ्ला के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, इफ्ला कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाता है दोस्तों। तो पहली गतिविधि देखते हैं दोस्तों इसकी, यूडीटी। यूडीटी इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल डेटा फ्लो। यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल नाम है दोस्तों। ये गतिविधि प्रारंभ होती है, इसका प्रारंभ होने का जो वर्ष रहता है दोस्तों, ये प्रारंभ होती है 1981 में दोस्तों। ये गतिविधि 1981 में प्रारंभ होती है दोस्तों, और इस गतिविधि का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है डेटा के विद्युतीय हस्तांतरण को संभव करना दोस्तों। तो इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, डेटा के विद्युतीय हस्तांतरण को संभव करना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका जो पहला प्रोग्राम रहता है दोस्तों, एक बार चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। इसका पहला प्रोग्राम रहता है दोस्तों यूडीटी, यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों। इसका पूरा नाम दोस्तों यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों, याद रखना दोस्तों पूरा नाम। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होता है, ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है दोस्तों 1981 से। देश का प्रमुख उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है डाटा के विद्युतीय हस्तांतरण को संभव करना। इस प्रकार दोस्तों ये यूडीटी प्रोग्राम इफ्ला द्वारा संचालित किया जाता है, और हम इसके बाद में अगला प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों इसका, यूएपी। देखो दोस्तों इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन दोस्तों, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन दोस्तों, फुल नेम। दोस्तों ये गतिविधि है जो ये प्रारंभ होती है 1982 से दोस्तों, 1982 से ये गतिविधि प्रारंभ होती है दोस्तों।
याद रखिएगा दोस्तों, इस गतिविधि का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, तो प्रमुख उद्देश्य देखते हैं इसका। इसका उद्देश्य रहता है विश्व स्तर पे प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। विश्व स्तर पर प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। अर्थात दोस्तों, हम ये कह सकते हैं जो जितनी भी बुक्स है, प्रकाशन है, उनको विश्व स्तर में हर कोने में बांटना, इसका मतलब बुक्स को विश्व के हर कोने में बांटने ही इफला के इस प्रोग्राम का उद्देश्य था दोस्तों। एक बार शुरू से देखते हैं दोस्तों। यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसके प्रोग्राम का पूरा नाम है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन दोस्तों। ये प्रोग्राम प्रारंभ होता है दोस्तों 1982 में, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो रहता है विश्व स्तर पर प्रकाशनों की उपलब्धता सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित करना दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं इसका अगला कार्यक्रम दोस्तों। दोस्तों, इसका अगला कार्यक्रम रहता है यूडीटी, UBCIM, सॉरी UBCIM, UDT तो करा चुका हूँ मैं आपको पहले, तो UBCIM। देखो इसका फुल नेम देखते हैं दोस्तों। इसका फुल नेम है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क, UBCIM इसका पूरा नाम है दोस्तों, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क दोस्तों, ये इसका फुल नेम है दोस्तों। ये गतिविधि दोस्तों प्रारंभ होती है उन्नीस में दोस्तों, 1983 से यह गतिविधि फिला द्वारा प्रारंभ की जाती है दोस्तों। और इस गतिविधि का जो एम रहता है, उद्देश्य रहता है, वो रहता है दोस्तों ISBD उद्देश्य, जो इसका दोस्तों प्रमुख उद्देश्य रहता है वो रहता है ISBD यूनिमार्क तथा जो मार्क फॉर्मेट है उसके विनिमय को सरल करना दोस्तों। ये इसकी तीसरी गतिविधि है दोस्तों, इफला की तीसरी गतिविधि है। इसको एक बार शुरू से देखते हैं। देखो, UBCIM यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क, इसका पूरा नाम है दोस्तों यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क दोस्तों। जो ये गतिविधि है ये प्रारंभ होती है दोस्तों 1983 में दोस्तों, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है ISBD यूनिमार्क तथा मार्क फॉर्मेट के विनिमय को सरल करना या विश्व स्तर पर वितरित करना दोस्तों। इस प्रकार UBCIM प्रोग्राम कंप्लीट होता है दोस्तों इफला का।